हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोशन और आप सभी का हमारे अपने रोशन टेक्स हिंदी में बहुत ही बढ़िया स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में आपको ज़ेब्रोनिक्स के साउंड बार पर काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में 3 बेस्ट साउंड बार्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्राइस ड्रॉप देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ यहाँ पे आपको बैंक ऑफर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। यानी दोस्तों, अगर आप बैंक ऑफर्स को इंक्लूड करते हो तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन 3 साउंड बार्स के कुछ स्पेक्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ कि आपके लिए कौन सा साउंड बार है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको साउंड बार चूज़ करना होगा। तो हमारे लिस्ट में 3 साउंड बार से, तो अभी हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे लिस्ट का जो पहला साउंड बार है ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब बार 9400 प्रो डॉल्बी डिजिटल साउंड बार। ये एक 5.1 चैनल वाला साउंड बार है। अगर आपको 5.1 चैनल सेटअप वाला साउंड बार चाहिए तो डेफिनेटली ये साउंड बार आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस भी काफ़ी कम हो चुका है। तो अभी मैं आपको स्पेक्स के बारे में बताता हूँ। इसमें आपको 5.1 चैनल का सेटअप मिलता है। यानी दोस्तों, यहाँ पे आपको एक साउंड बार देखने को मिलता है। साउंड बार में आपको 3 स्पीकर मिलते हैं और 2 रियर स्पीकर देखने को मिलते हैं और एक डेडिकेटेड साउंड बार देखने को मिलता है। ईच स्पीकर 75 वॉट RMS का है। टोटल स्पीकर 375 वॉट के है। अगर हम सबवूफर की बात करते हैं तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 150 वॉट का सबवूफर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सबवूफर का पावर आउटपुट काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको बेस काफ़ी अच्छी सुनने को मिलने वाली है। इस साउंड बार के सबवूफर में आपको 6.5 इंच का सबवूफर ड्राइवर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपको बेस बहुत ही अच्छी सुनने को मिलेगी। एकदम थंडरिंग बेस सुनने को मिलेगी। ग्राउंड शेकिंग जो बेस होती है ना, वैसी सुनने को मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पे साउंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दोस्तों, ये साउंड बार खास मूवी वॉचिंग के लिए बनाया हुआ है। अगर आप ज़्यादा मूवी वॉचिंग करते हो तो दोस्तों, इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल 5.1 चैनल का सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों, डॉल्बी डिजिटल प्लस को ये सपोर्ट करता है, तो इससे आप डॉल्बी डिजिटल प्लस के साउंड को सुन सकते हो। अगर आप डॉल्बी डिजिटल कंटेंट प्ले करते हो तब आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगी और बेस बहुत ही अच्छी सुनने को मिलने वाली है। अगर आपको हाई डेफिनेशन साउंड सुनने हैं तो आपको डॉल्बी डिजिटल वाला कंटेंट देखना पड़ेगा, तब आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर आप नॉर्मल कंटेंट देखोगे तो आपको नॉर्मली साउंड सुनने को मिलेगी, हाई क्वालिटी की साउंड सुनने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दोस्तों, इसमें आपको HDMI ARC ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट और USB के पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप HDMI पोर्ट का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों, यहाँ पे आपको डॉल्बी डिजिटल का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। यानी दोस्तों, डॉल्बी डिजिटल HDMI पोर्ट को सपोर्ट करता है। HDMI पोर्ट के थ्रू ही डॉल्बी डिजिटल के सिग्नल पास होते हैं और आपको साउंड का आउटपुट सुनने को मिलता है। ये साउंड बार ब्लूटूथ के वर्जन 5 को सपोर्ट करता है, तो आप वायरलेसली भी इसको कनेक्ट कर सकते हो। अगर हम इसके रेगुलर प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों, इसका रेगुलर प्राइस है 15,000 रुपीज़। बट दोस्तों, अभी बिग बिलियन डेज स्टार्ट ही होने वाला है। प्लस मेंबर के लिए 2nd of October से स्टार्ट होगा, तो इसका जो प्राइस बता रहे हैं ना यहाँ पे, वो है 10,999। यानी 11,000 के प्राइस रेंज में आपको ज़ेब्रोनिक्स 9400 प्रो मिल रहा है। अगर आप इसमें बैंक ऑफर्स को इंक्लूड करते हो तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 10% का इंस्टेंट बैंक ऑफर मिलेगा। ICICI बैंक और एक्सिस बैंक पे यहाँ पे ऑफर चल रहा है 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का। तो दोस्तों, अगर आप उसको ऐड करते हो तो दोस्तों, इसका प्राइस हो जाता है 9,800 के आसपास, 899 के आसपास इसको बाय कर सकते हो। हमारे लिए इसका जो सेकेंड नंबर का साउंड बार है ज़ेब्रोनिक्स जूक बार 9000 प्रो। अगर आपको 2.1 चैनल सेटअप वाला साउंड बार बाय करना है तो ये साउंड बार आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। इसके भी कुछ स्पेक्स और फीचर्स है, उनको सुनकर आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। तो दोस्तों, ये एक डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है। इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल का
सपोर्ट मिलेगा। अगर आप डॉल्बी डिजिटल के कंटेंट देखते हो तब आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अगर हम स्पेक्स की बात करते हैं तो इसमें आपको 2.1 चैनल का सेटअप मिलता है, एक साउंड बार देखने को मिलता है और एक डेडिकेटेड सबवूफर देखने को मिलता है। 120 वाट आरएमएस का टोटल पावर आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अच्छा साउंड सुनने को मिलेगा, साउंड काफ़ी ज़्यादा लाउड होने वाला है। 60 वाट का साउंड बार है और 60 वाट का सबवूफर देखने को मिलता है, 6.5 इंच का सबवूफर ड्राइवर देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पे साउंड बार के स्पीकर ड्राइवर की बात करते हैं तो दोस्तों साउंड बार में आपको 4 स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं, 2 ट्वीटर्स भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अंडर 10,000 में ट्विटर्स भी देखने को मिलते हैं साउंड बार में, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको साउंड बार में ही 2 बेस रिफ्लेक्स पोर्ट भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो साउंड है ना वो काफ़ी अच्छी सुनने को मिलने वाली है, एकदम 3D साउंड सुनने को मिलेगा, सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस बेस्ट मिलने वाला है इसमें। हालांकि ये 2.1 चैनल वाला सेटअप है बट दोस्तों आप इसमें सराउंड साउंड को भी सुन सकते हो, सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अगर हम यहाँ पे साउंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट देखने को मिलता है। 2.1 चैनल में आपको डॉल्बी डिजिटल प्लस का सपोर्ट मिल रहा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। अगर आप ज़्यादा गेम प्ले करते हो तो दोस्तों ये साउंड बार आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस साउंड बार को गेमिंग के लिए भी ट्यून्ड किया हुआ है। ओके, डॉल्बी डिजिटल की वजह से आपका गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है, एकदम इमर्सिव सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जब आप गेमिंग करोगे तब आपको काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें आपको HDMI पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स, USB के पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, ब्लूटूथ का वर्जन 5 का। अगर हम इसके रेगुलर प्राइस की बात करते हैं तो दोस्तों ये साउंड बार आपको फ्लिपकार्ट पे 11,000 के प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है, बट दोस्तों अगर आप इसको बिग बिलियन डेज में बाय करते हो तो इसका प्राइस हो जाता है 7,500 रुपीज़। अगर आप इसमें 10% का बैंक ऑफर इंक्लूड करते हो तब इसका प्राइस हो जाता है 6,749। तो दोस्तों 6,749 में ये साउंड बार वन ऑफ द बेस्ट साउंड बार है, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट मिल रहा है और दोस्तों यहाँ पे आपको जो साउंड बार है ना वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन के साथ देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है ये साउंड बार। ओके, हमारे लिस्ट का जो 3rd नंबर का साउंड बार है ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब जुक बार 6000 DWS प्रो ब्लूटूथ साउंड बार। इस साउंड बार में आपको 2.1 चैनल का सेटअप मिलता है। अगर आपको अंडर 10,000 में वायरलेस सबवूफर वाला साउंड बार चाहिए तो दोस्तों ये साउंड बार आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। अगर आप ज़्यादा म्यूजिक सुनते हो और मूवीज़ देखते हो नॉर्मल मूवीज़, तो ये साउंड बार आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस साउंड बार में आपको 160 वाट RMS का टोटल पावर आउटपुट मिलता है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे साउंड बार और सबवूफर की बात करते हैं तो साउंड बार में आपको 80 वाट का टोटल पावर आउटपुट मिलता है और सबवूफर में आपको 80 वाट का टोटल पावर आउटपुट मिलता है। और दोस्तों ये सबवूफर वायरलेस सबवूफर है, ओके, एक एक्टिव सबवूफर भी आप इसको कह सकते हो, आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो, ये ऑटोमेटिकली साउंड बार के साथ सिंक हो जाता है, यानी पेयर हो जाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको बेस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि आप अपने रूम में कहीं पर भी इसको रख सकते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। अगर हम साउंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको डॉल्बी डिजिटल का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट हाँ इसमें आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी वाला साउंड सुनने को मिलेगा, सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस भी इसमें मिलने वाला है, क्योंकि इस साउंड बार को गेमिंग के लिए ट्यून्ड किया हुआ है। अगर आप गेमिंग करते हो तब दोस्तों डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इससे, ओके, रियलिस्टिक गेम प्ले का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ओके, अगर हम कनेक्टिविटी पोर्ट्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको HDMI ARC का पोर्ट मिलता है, ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, USB पोर्ट और ब्लूटूथ का वर्जन 5 का सपोर्ट मिलता है। इसका रेगुलर प्राइस है 9,000 के आसपास, ओके, 9,000 इसका रेगुलर प्राइस है। ओके, अगर आप इसको बिग बिलियन डेज सेल में बाय करते हो तब इसका प्राइस हो जाता है 7,000 के प्राइस रेंज में ये साउंड बार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बैंक ऑफर को इंक्लूड करते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, यानी 700 का डिस्काउंट मिलेगा और इसका जो इफेक्टिव प्राइस होता है ना 6,000
6,299 रुपीज़ में ये साउंड बार वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला साउंड बार हो जाता है। बाकी अगर आपने इन साउंड बार्स को बाय करने का प्लान किया है तो डेफिनेटली आप इनको बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू फॉर मनी मिलने वाली है, कम्प्लीटली आपके पैसे वसूल होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अंडर 10,000 में 5.1 चैनल सेटअप वाला साउंड बार मिल रहा है, उसमें आपको 525 वॉट का टोटल पावर आउटपुट मिल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि कम्प्लीटली पैसा वसूल है। अगर आप अभी बाय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हो। ओके, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर दी है, तो दोस्तों वहाँ पे भी जाके आप इनको चेकआउट कर सकते हो। ओके, आशा करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो का लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।